हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू राजमुद्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज की विश्लेषण सीरीज का टॉपिक है व्हाई क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया। सो रिसेंटली अगर आपने न्यूज फॉलो किया है तो यू नो कि 2020 का अगर हम ट्रेंड लें तो देर इज अ 6% फॉल इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया। एंड बट ये वन टाइम इवेंट नहीं है, यहाँ पर हम ये कॉन्स्टेंट डिक्लाइन देख रहे हैं इंडिया में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का। अब अगर आप ये डेटा पे नजर डालें, ऑयल प्रोडक्शन जो इंडिया में रही है दैट इज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग सिंस 2010 onwards, बट इसी के कंपैरिजन में अगर हम आप ऑयल कंजप्शन का डेटा देखें सो ऑयल कंजप्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है इंडिया में। ठीक है, सो हाउ वी आर कवरिंग दिस कंजप्शन और हाउ वी आर कवरिंग अप दिस डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया। सो यहाँ पे लार्जर पिक्चर ये है कि 20% जो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन सफिशियंट हो जाती है, बट जो इम्पोर्ट्स है हमारे 80% जो है हम इसे इम्पोर्ट से कवर अप करते हैं। अब यहीं पर एक मेजर कंसर्न हमारे लिए निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप ये डेटा देखिए 2017 से 2018 का, सो इस डेटा में आप देखेंगे कि हमारा जो मेजर ऑयल इंपोर्ट जिन कंट्रीज से हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इराक से हम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से कर रहे थे एंड ईरान से हम कर रहे थे। सो यहाँ पे एक मेजर कंसर्न निकल के आता है, जैसे ईरान पर यूएस की सैंक्शंस लगने के बाद से वी आर नॉट एबल टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान। सो इस तरह की सिचुएशंस, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन आवर वेस्ट एशियन कंट्रीज फॉर दिस इम्पोर्ट, सो मेजोरिटी इम्पोर्ट वहीं से हमारा है, तो ईरान हमें एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है कि किस तरह से हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इंडिया की जो रिसोर्स या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी अनस्टेबल कर सकती हैं या फिर एक थ्रेट हो सकती है हमारी एनर्जी कंजम्पशन के लिए। ठीक है, सो अब इसे हम कैसे कवर अप कर रहे हैं या हम कैसे इसे इम्प्रूव कर रहे हैं। सो पहली बात तो ये कि ये जो डेटा है ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, बिकॉज 2012 में जहां पर हमारा 81.8% हम डिपेंड कर रहे थे फॉरेन कंट्रीज पे, वहीं पर अब हम जो 2020 में 87.6% की डिपेंडेंस हमारी हो गई है इम्पोर्ट के लिए क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, 87.6% हम अब डिपेंड कर रहे हैं, सो ये डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इस बारे में समझ लेते हैं कि इंडिया की क्रूड ऑयल प्रोडक्शन क्या है, बिकॉज अगर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है तो इसका एक तरीका ये है कि हम अपनी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा लें। सो यहाँ पर दो तरीके हैं इंडिया में क्रूड ऑयल जो हमारे पास अवेलेबल है, एक ऑनशोर ऑयल फील्ड हमारे पास है और ऑफशोर ऑयल फील्ड भी है हमारे पास। सो ऑनशोर मीन्स जो लैंड पर हमारी ऑयल फील्ड्स हैं उसका जो मेजॉरिटी पोर्शन, जो मेजॉरिटी प्रोडक्शन आता है वो गुजरात, राजस्थान और असम जैसी स्टेट से आता है, विच ऑलमोस्ट कवर अप 96% ऑफ द ऑनशोर रिक्वायर ऑनशोर प्रोडक्शन इन इंडिया। सो जो ऑफशोर प्रोडक्शन है ये यहाँ पे मेनली बस हमारे पास एक ही नाम आता है, मुंबई हाई फील्ड, जहां से हमारी ऑफशोर का 48% जो है प्रोडक्शन होता है एंड देन वी हैव अदर सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम दीज। ठीक है, सो ये हो गया जो क्लासिफिकेशन है ऑनशोर एंड ऑफशोर, इंडिया में कौन सी स्टेट से ये प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। अब यहीं पर अगर हम वर्ल्ड व्यू देखें सो यूएस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ दीज ऑयल प्रोडक्शंस। सो वहां पर 20% जो है यूएस का शेयर है वर्ल्ड ओवर कंजप्शन में, वहीं पे चाइना सेकंड पर आता है 13% एंड इंडिया इज थर्ड कंट्री, बट आप कंपैरिजन देखेंगे तो काफी ज्यादा गैप है इन कंजप्शन, तो वी आर कंज्यूमिंग ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन या वर्ल्ड ऑयल कंजप्शन का जो पार्ट है सिर्फ 4% जो है इंडिया उसे कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इंडिया में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज कौन सी है, यहां पर देखो जो मेजर कंपनीज हैं वो दो हैं, ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। सो यही दो मेजर कंपनीज हैं एंड ये दोनों ही स्टेट ओन कंट्रीज हैं, गवर्नमेंट ओन कंट्री कंपनीज हैं ये। ठीक है, सो जब भी कोई भी ऑक्शन होता है क्रूड ऑयल ब्लॉक्स का इंडिया में, सो दे आर द लार्जेस्ट बिडर्स ऑल्सो। अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन के नाम पर इंडिया में दो कंपनीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, एक कैरन इंडिया एंड हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। सो ये दो कंपनीज हैं मेजर प्लेयर्स इन प्राइवेट सेक्टर, बट हम इंडिया में एक कांस्टेंट ट्रेंड देखते हैं कि पार्टिसिपेशन जो प्राइवेट सेक्टर का है वो बहुत ही ज्यादा लो है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। देर आर फ्यू रीजन फॉर दैट, वन इज कि यहाँ पर इंडिया की जो पॉलिसीज हैं या फिर ऑपरेशनलाइज करने का प्रोसेस है दैट टेक्स टू मच लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती है, बिकॉज इवन दे पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन, सो ब्लॉक्स की अलॉटमेंट से लेके
एलोकेशन से लेके जो फाइनल प्रोडक्शन तक की स्टेज है दे टेक्स अराउंड 5 to 7 years. सो दैट इज अ बिग टाइम. ठीक है, तो दैट इज अ रीजन की प्राइवेट प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते. देन देर आर अदर रीजन ऑल्सो की इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना है, देन डीजीएच या डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन से कई सारी परमिशन लेनी पड़ती है, फील्ड डेवलपमेंट प्लान अप्रूव कराने पड़ते हैं. सो दैट इज अ रीजन की प्राइवेट प्लेयर्स जो है इसमें इतना बढ़ चढ़ के सामने नहीं आते. ठीक है, सो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं व्हाट आर द रीजन ऑफ दिस डिक्लाइनिंग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया. देयर आर फोर मेजर रीजंस. वन इज एजिंग वेल्स. दिस मींस कि जो हमारे पास ऑयल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के प्लांट्स हैं वो बेसिकली वहीं से अभी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं जो काफी टाइम से हम यूटिलाइज करते आ रहे हैं. ठीक है, सो उनकी जो जो मैकेनिज्म है, जो बेसिकली मशीनरी है, दैट इज बिकमिंग एब्सोल्यूट नाउ. वो इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें नहीं दे पा रही है. एंड इसी तरह से दूसरा इसमें रीजन जो है कि नई ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरीज जो है वो उस लेवल पे नहीं हो पा रही जिस लेवल पे हमें चाहिए हमारी डिमांड फुलफिल करने के लिए. एंड ऐसे ही जैसे मैंने अभी बात किया था कि ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं है बिकॉज देर इज सो मच डिले इन प्रोडक्शन एलोकेशन एंड देन प्रोडक्शन. सो दैट इज अ थर्ड कंसर्न. एंड अगर हम कंपेयर करें कि जिस वे में, जिस स्पीड से हमारी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ऑयल फील्ड हैं या वेल्स हैं वहां से प्रोडक्शन जिस स्पीड से कम आ रहा है, हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, उस स्पीड से हम नई एक्सप्लोरेशन या नई प्रोडक्शन को नहीं लगा पा रहे. दैट इज अ फोर्थ बिग रीजन फॉर दिस डिक्लाइन. यू कैन सी इन द ग्राफ की किस लेवल पे हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्लाइटली एंड कॉन्स्टेंटली इज डिक्लाइनिंग एंड बट आर इम्पोर्ट्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड देयर आर बिगर इंक्रीज इन दम. एंड इसी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आया, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, OALP, विच मेन पर्पज वॉज टू इंक्रीज अ प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन ऑल दिस. ये 2019 में पॉलिसी आई थी टू बेसिकली टू इंसेंटिवाइज प्राइवेट सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इसमें जो गवर्नमेंट को लॉयल्टी पे करना पड़ता है टू एक्वायर ऑयल फील्ड, सो वो काफी कम रखा गया. एंड इसी तरह से ऑयल सेस जो लगता था कंपनीज के ऊपर उसे बिल्कुल हटा दिया गया यहाँ पे. सो दीज आर द स्टेप्स विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट बट अभी इसका हम ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देख पा रहे. सो लेट्स सी इन द फ्यूचर वट कम्स आउट फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड by that time we need to follow this news because this is very important for India's energy security. And इसी तरह से आगे भी हम topics लेके आते रहेंगे आपके जो भी exam purpose से या otherwise आपके understanding को enhance करें अपनी इस विश्लेषण series में. By that time this is Deepak Thakur signing off for today.